चैनल क्रिएटिव यामिनी। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक ब्राइडल किट, और ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के हैं। तो एक ब्राइडल किट अगर आप रेडी कर रहे हो तो बिल्कुल ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं ऑन इंस्टा, आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्राइमर। सो फर्स्ट अफोर्डेबल रेंज का एक प्रोडक्ट रहेगा और एक थोड़े से अच्छे ब्रांड का प्लस थोड़ा सा कॉस्टली। ये अंडर 1000 रुपीज़ का मेकअप किट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं तो अच्छी रेंज में ही आपको एक अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ब्राइडल की जो किट होती है वो बहुत टाइम तक चलती है। सो उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो फर्स्ट है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। ये बहुत अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ये ब्लू हेवन का परफेक्ट मेकअप बेस्ड स्टूडियो परफेक्शन ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी प्राइमर है। 300 रुपीज़ का है, बट बहुत ही अच्छा जेल बेस्ड है, तो ये ऑयली टू ड्राई स्किन दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा। ये दोनों स्किन टाइप्स वालों के लिए हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑलरेडी मैं कुछ के रिव्यूज़ बना चुकी हूँ, तो वो अगर आप चेकआउट करना चाह रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर जाना होगा। प्लेलिस्ट में आप रिव्यू सेक्शन में जाएंगे तो आपको सभी के रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। सो इसका मैं रिव्यू बना चुकी हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंड जो है वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्शनल मेकअप प्राइमर। अगेन ये 700 रुपीज़ का है, बट इट्स ऑसम। और अभी सेल भी चल रही है फ्लिपकार्ट पे, अगर आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छे प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। मे बी पॉसिबल आपको डिलीवर होने में टाइम लग सकता है फॉर दिस वायरस की वजह से, बट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो ये लैक्मे का प्राइमर है, ये पिंक टोन्ड है, 30 ग्राम प्रोडक्ट है इसका। अगेन ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आपके ओपन पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, तो ये भी बहुत अच्छा है फॉर ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वालों को और ज़्यादा ड्राई कर देता है ये। सो ये एक प्राइमर है। सो ये दो प्राइमर थे। नेक्स्ट आई हैव टू फाउंडेशन। सो फर्स्ट, अगर कोई अफोर्डेबल रेंज में जाना चाह रहे हैं, आपके बजट में जो जाता है आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। ये है मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन। आई एम इन दी शेड 1310 सन बेज। ये 299 रुपीज़ वाला ट्यूब है और बहुत अच्छा है। ड्राई टू ऑयली दोनों के लिए ऐसा सूट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अलग चेंज नहीं मिला कि ड्राई पर नहीं जाएगा या ऑयली स्किन पर नहीं जाएगा। इसका बड़ा वाला भी आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 500 रुपीज़ तक का, तो आप इसकी बड़ी बॉटल भी ले सकते हैं। वो पंप में चेंज हो चुकी है, तो पंप में आपको मिल जाएगी। ये ट्यूब वाला है, सो ये एक फाउंडेशन है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कवरेज का चाह रहे हैं, लाइट नहीं, अच्छे कवरेज का चाह रहे हैं बट लाइट फॉर्मूला चाहिए आपको, बहुत ही नेचुरल फिनिश वाला चाहिए, तो आप इसके संग जा सकते हो। यह है वेड एंड वाइट का फोटो फोकस फाउंडेशन। आई एम दी शेड आइवरी बेज, बेज आइवरी है ये, और इसका प्राइस आई थिंक ये 599 रुपीज़ का है, बट आपको ये ऑन डिस्काउंट 300-350 तक मिल जाता है। कुछ इस तरीके के स्पैचुला की हेल्प से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सर मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ये शेड भी मेरे ऊपर बहुत अच्छे से ज़्यादा है। फिलहाल अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ये दो कंसीलर्स हैं। फर्स्ट है वेड एंड वाइट द फोटो फोकस कंसीलर। आई एम इन दी शेड लाइट मीडियम बेज। अगेन ये आपको इस तरीके की टिप के साथ आता है, तो लगाना इजी रहता है। ये वाला कंसीलर मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्राइंग फॉर्म का नहीं है। नेक्स्ट है ये वेड एंड वाई सॉरी मेबलिन का फिट मी कंसीलर, और ये थोड़ा सा ड्राइंग मुझे लगता है। इसमें मेरा शेड है 20। अगेन सेम टिप है इसका, इसका टिप थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी लॉन्ग है। ये मुझे थोड़ा सा ड्राई फॉर्म पर लगता है, अदरवाइज़ परफेक्ट है ये। तो दोनों ये कंसीलर आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट के लिए एक सिंगल ही ऑप्शन है मेरे पास, ये है लैक्मे 9 to 5 का फेयरनेस मैट कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट। बहुत अच्छा कवरेज है इसका, बहुत अच्छे से ब्राइट कर देता है, सेट कर देता है, स्टिंग पावर अच्छा है। सो आप ये वाला ले सकते हो। ये 450 रुपीज़ का है, 8 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिलता है। ये एक आउटर पैकेजिंग के साथ आता है, कुछ इस तरीके का इसका आउटर बॉक्स है। लेकिन अगर आप बेकिंग करना चाह रहे हो, आईलाइट को सेट करना चाह रहे हो, अपने अंडर आईज को, डार्क सर्कल्स को हाइड करना चाह रहे हो, तो यू कैन गो विद दिस बनाना पाउडर। ये है एरियस लग्जूरियस बनाना पाउडर, और बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छे से बेक कर देता है। एक येलो टोन्ड है,
बहुत अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है आपके अंडर आइज़ को, आपके फेस को बहुत अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है। सो एक ब्राइडल मेकअप के लिए ज़रूरी होता है कि आप कोई अच्छा लाइट शेड वाला हाइलाइटर यूज़ करो या कॉम्पैक्स से उसको सेट करो। तो आप इस तरीके के बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 20 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिलता है, 90 रुपीज़ में आपको इससे बड़ा वाला भी मिल जाता है। सो नेक्स्ट है कुछ आई शेडो पैलेट्स। सो फर्स्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, 150 रुपीज़ का है, करंट फेवरेट है मेरा ये है SFR का टोटल टेम्पटेशनल आई शेडो प्लस हाइलाइटर पैलेट। ये बहुत ही अच्छा है, आई मीन द शेड बी। इसमें अल्फाबेटिकल्स ऑर्डर में होते हैं शेड्स, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे शेड्स से ब्राइडल के हिसाब से। इसमें आपको एक हाइलाइटर भी मिलता है और एक ब्लश भी मिलता है, जो कि बहुत ही सटल सा बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपको प्रोवाइड करते हैं। मुझे ये दोनों ही बहुत अच्छे लगे। इसके आई शेडोज़ भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही प्यारे हैं। इसमें शेड्स भी ऐसे हैं कि ब्राइडल के ऊपर जा सकते हैं, इधर के दो शेड्स ये बहुत ही अच्छे वाले हैं ये भी। सो अगर आप इसका रिव्यू देखना चाह रहे हो तो मुझे बता सकते हो। ये 150 रुपीज़ का पैलेट है, एक ये पैलेट है। नेक्स्ट एक और पैलेट है जो कि 200 रुपीज़ का है। सो ये ड्यूब वाला है, ओरिजिनल नहीं है, बट ये बहुत अच्छा है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था इससे 200 रुपीज़ का। ये है हुडा ब्यूटी का न्यू न्यूड्स आई शेडो पैलेट। आप शेड देख सकते हो कितने प्यारे शेड से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पैकेजिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ही स्टडी सी पैकेजिंग है, अलग से एक पॉलीथीन पैकेजिंग हार्डबोर्ड टाइप की प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। शेड्स आप बहुत ही क्रीमी है, मतलब बटर जैसे सॉफ्ट शेड्स हैं, पिगमेंटेड भी बहुत है। सी शीन्स वाले हैं, मैं अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पिंक टोन्स में जाना चाहते हैं, शिमरीज में जाना चाहते हैं, ये सारे जो है मैट से, ये मैट है, ये मैट है। एक हाइलाइटिंग शेड भी आपको मिल जाता है आईलेट सेट करने के लिए, क्रीज डिफाइन करने के लिए। शेड्स आर ऑल आर पिगमेंटेड, बट अगर आप ये वाला ले सकते हो, आपको ये इसके शेड्स पसंद है तो आप ये वाला ले सकते हो। अदरवाइज इसी में एक और आता है ब्लैक कलर की पैकेजिंग का, सो वो वाला भी ले सकते हो। उसका बैंग लिंक नीचे में मैं दे दूँगी, इसका भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मैं जल्द ही वो वाला लेने का सोच रही हूँ क्योंकि इसके शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगे। आई लव द पैकेजिंग ऑल्सो, द 3D इफेक्ट। सो इसके ओरिजिनल वाला जो आता है वो 2500 रुपये का आता है, आई थिंक 2500 या 3200 रुपये का अच्छा है। आप इसका मिरर भी देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिरर है। सी सो इससे आप पूरा मेकअप कर सकते हो अपना आई मेकअप। थोड़ा सा इसमें ब्राउन टोन शेड्स नहीं है क्योंकि इसमें सारे ही इससे पिंक टोन शेड्स आप देख सकते हो। पिंक ये वाले दो शेड्स हैं, ये जो शेड्स हैं वो बहुत डिफरेंट है, तो मुझे ये पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ये मेरी बहुत अच्छी वाली बाइंग है, बहुत अच्छी वाली, क्योंकि 200 रुपीज़ में आपको इस तरीके के पैलेट बिल्कुल नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट अगर कोई ट्रैवल फ्रेंडली में जाना चाह रहे हैं, बड़ा पैलेट नहीं लेना चाह रहे हैं, बट आई थिंक रेंज के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये वेड एंड वाइट का रोज़ इन द ईयर आई शेडो पैलेट है। इसके 6 डिफरेंट यूजेस हैं, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। सो इसमें आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, अपने आईब्रोज को फिल इन कर सकते हो, आप अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हो, ब्लशिंग कर सकते हो, आई मेकअप कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। थोड़ा सा आपको बिल्डअप करना पड़ेगा शेड को, इतने ज़्यादा पिगमेंटेड शेड मुझे नहीं लगते, बट यूजेस बहुत सारे हैं। 599 रुपीज़ का है, बट बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग है, तो इसे ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट रहेगा, आप ले सकते हो। नेक्स्ट अगर आप कोई ब्लशिंग हाइलाइटिंग के लिए लेना चाह रहे हो, ब्लश हाइलाइटर या ब्रॉन्जर के लिए, तो मैं आपको ये सिंगल ऑप्शन दूंगी, आप यूज़ कर सकते हो मेकअप रेवोल्यूशन का ये ब्लशिंग हाइलाइटिंग और ब्रॉन्जिंग किट। आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं और ये बहुत अच्छा है। अगर आपको 400 to 500 की रेंज में मिल रहा है तो परफेक्ट है। मैंने भी इसे आई थिंक 396 या 392 रुपीज़ में लिया था। मुझे इसका ब्लश और हाईलाइटर बहुत पसंद है। इट्स अ गिव यू अ शिमरी बट बहुत सटल ग्लोई शाइन आपको देता है, ज़्यादा हैवी नहीं है। और इसका जो ब्रॉन्जर है वो बहुत ही प्रॉपर वाला मैट है, सो मुझे मैट ब्रॉन्जर ही पसंद है, मैं ज़्यादा शिमरी वाले नहीं पसंद करती। सो एक ये ब्रॉन्जर ब्लश और हाईलाइटर है। नेक्स्ट अगर आप ब्लशिंग के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो यू कैन गो विद दिस मैबलिन फिट मी ब्लश, आई एम इन दी शेड कोरल 16। 440 रुपीज़ का है, 440 रुपीज़ का है, बट इट्स अ गिव यू बहुत ही नेचुरल ब्लशिंग है। मैंने कोरल शेड पिक किया है, आपको इसमें 6 शेड्स मिल जाते हैं। आई लव द पैकेजिंग, पैकेजिंग बहुत क्यूट सी है इसकी।
और प्रोडक्ट भी पिगमेंटेड है, तो बहुत ही अच्छा है सी, बहुत अच्छा शेड है। सो मुझे इस तरीके का कोरल शेड ट्राई करना था, क्योंकि सैम काफ़ी ज़्यादा कोरल लवर है, आई थॉट शेड ट्राई करना चाहिए। तो नेक्स्ट आई हैव दिस वेट एंड वाइट का आइकॉन ब्लश, आई एम इन दिस शेड पेरलेस्ट पिंक। बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट्स गिव यू अ शिमर, आप देख सकते हो हल्का सा शिमर ब्लिंगिंग हो रहा है। सो ये भी बहुत पिगमेंटेड है और बहुत अच्छा है। ये ब्राइडल्स के लिए परफेक्ट रहेगा, अगर आप वो शिमरी में जाना चाह रहे हो तो आप इसके संग जा सकते हो। ये आई थिंक 299 रुपीज़ का है, वो 440 रुपीज़ का था, जो आपके बजट में आता है आप उससे ले सकते हो। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए आई गिव यू सिंगल ऑप्शन, जो कि करण मेरा फेवरेट है और मैंने रिसेंटली से लिया है। ये है मेबलिन, दिस इज़ द मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर, आई एम इन दी शेड मोल्टन गोल्ड 100। सो ये ब्राइडल के लिए जो हाइलाइटर है गाइस, इट्स गिव यू परफेक्ट HD मेकअप, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, गोल्डन है, तो हर स्किन टोन वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा लुक देते हैं सी। मतलब बहुत अच्छे से बिल्डअप करने के बाद ठीक हो जाता है ये। तो इसका जो प्राइस है वो 550 रुपीज़ है, 550 रुपये हैं, बट आपको ऑन डिस्काउंट ये 300 रुपीज़ तक में मिल जाता है, मैंने और भी कम डिस्काउंट में लिया है। सो मैं इसका भी बाइंग लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप रिव्यू देखना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट ब्राउज़ को फिल करने के लिए, अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, यू कैन गो विद दिस वेट एंड वाइट का अल्टीमेट ब्रो किट। और इसमें आपको दो शेड्स मिलते हैं, डार्क ब्राउन एंड थोड़ा सा ब्राउन ब्लैक शेड। सो बहुत ही अच्छा किट है। इसके संग आपको एक प्लकर मिलता है और एक एप्लीकेटर ब्रश मिलता है, आपको इसमें एक मिरर भी मिलता है। ट्रैवल फ्रेंडली है, मिरर भी मिलता है तो आपको अलग से कैरी नहीं करना होगा, बहुत ही अच्छी किट है। अभी इसका यहाँ पे ब्रश मैंने रिमूव कर दिया है, बट ये भी मिरर टाइप का ही है, तो आप मैं पहले इसी से यूज़ करती थी। ये भी है 399 रुपीज़ का, बट 198 रुपीज़ तक का आपको मिल जाता है ऑन फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है लाइनर। सो लाइनर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर आप जेल लाइनर अप्लाई करते हो या आपको प्रैक्टिस है तो यू कैन गो विद दिस म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर। ये ड्राई नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, जेड ब्लैक है, स्टेइंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। हाँ, बहुत हद तक मैं यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे यही वाला पसंद है, बहुत ज़्यादा स्टे करता है, तो वाटर प्रूफ भी है। और नेक्स्ट है ये वेड एंड वाइट का पेन टिप प्रो लाइन फेल्ट टिप लाइनर है। ये अगेन ये बहुत ही जेड ब्लैक है, बहुत ज़्यादा जेड ब्लैक है, इजी टू अप्लाई है, ट्रेवल फ्रेंडली है, रखने में भी इजी है, अप्लाई करने में भी इजी है। इसका टिप जो है, साइज़ जो है वो बहुत छोटू सा है, सो इजी रहता है अप्लाई करने में। नेक्स्ट आई हैव अ लाइनर। सो लाइनर के लिए दो ऑप्शन दे रही हूँ मैं। फर्स्ट है ये NYB का द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल, वाटर रजिस्टेंट है, स्वेट प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आई थिंक 55 रुपीज़ तक का मिल जाता है, 45 रुपीज़, 55 रुपीज़ तक का आपको ईजिली मिल जाएगा ये पर्पल पे। आई थिंक ये ऑन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो गया है, बट आप पर्पल से ले सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे पर्पल पे आपको ऑन डिस्काउंट बहुत अच्छे प्राइजेज में ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ये लैकमे एब्सोल्यूट का लैकमे आइकॉन काजल, अगेन वाटर प्रूफ है, नो स्मजिंग प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर्स, और बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा इतना वाटर प्रूफ नहीं है बट बहुत स्टे करता है। ये काजल भी बहुत अच्छा है, 175 रुपीज़ तक का है। सभी के बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टू मस्कारास। फर्स्ट है वाटर प्रूफ, ये है, दोनों ही मेबलिन के हैं। तो फर्स्ट है मेबलिन का हाइपर कर्लिंग मस्कारा, ये मैंने 250 रुपीज़ का ऑन फ्लिपकार्ट से लिया था। अगेन ये नायका से मैंने लिया था। ये मेबलिन का लास्ट सेंसेशनल मस्कारा है, फुल फैन एक्स मस्कारा है, तो बहुत अच्छे कर्ल कर देता है, लेंथनिंग दे देता है, तो ये वाटरप्रूफ में आपको मिल जाता है। मेरे पास ऑलरेडी वाटरप्रूफ था, इस वजह से मैंने ये नॉन वाटरप्रूफ लिया है। दोनों ही बहुत अच्छे से कर्ल कर देते हैं, तो जो आपके बजट में फिट होता है आप उसके साथ जा सकते हैं। और काजल के लिए मैं आपको एक ऑप्शन और दूंगी कि अगर ब्राइडल के लिए आप बना रहे हो तो यू कैन गो विद दिस कलर काजल, वाइट काजल, न्यूड काजल। स्टे कोकी का आई लव यू काजल आप यूज़ कर सकते हो, सच अ पिगमेंटेड।
बहुत ही पिगमेंटेड है, और 162 रुपीज़ का आई थिंक मिल जाता है, लैक में भी अवेलेबल है, बट ये वाला सादा अच्छा है। नेक्स्ट, अगर आई शेडोज़ आप लूज़ वाले नहीं चाहते हो तो आप इस तरीके के ग्लिटर्स वालों के संग जा सकते हो। ये एसएस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है, आई एम इन दी शेड 02 डायमंड डस्ट। सच अ प्रिटी शेड फॉर द ब्राइडल्स, बहुत ही प्यारा शेड है। आपको इसमें 6 शेड्स मिल जाते हैं। इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 02 है, बहुत ही प्यारा शिमर है। किसी भी आई शेडो के ऊपर आप इसको टॉप अप कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। नेक्स्ट, मेकअप को सेट करने के लिए यू कैन गो विद दिस रेड एंड वाइट का फोटो फोकस फिनिश नेचुरल मेकअप सेटिंग स्प्रे। 45 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है, और इसका प्राइस मुझे पता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो MRP था वो मिट गया है मुझसे, बट इसका स्प्रे बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैट फिनिश आपको दे देता है, प्लस ये वाटरी नहीं रहता है, आपके फेस पे कहीं पर भी खट्टा नहीं होता है इसका वाटर। सी आप जितना ज़्यादा दूर से करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो एक ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है। सो यही किट मैं ब्राइडल के लिए शेयर करना चाह रही थी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।